हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 35G के एक बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि पीसी से रिलेटेड है। एंड उसी को हम टेस्ट करेंगे। एंड ये फीचर GT 10 Pro में भी देखने को मिलता है। ये आपको टोगल ऊपर की तरफ जो आता है उसी में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे पीसी से कनेक्ट करने के बाद भाई मतलब लैपटॉप से ही अपने फ़ोन को हैंडल कर सकते हैं बिना किसी वायर के। बहुत ही कमाल का ये फीचर है। सो गाइस देखिए वीडियो को एंड तक, एंड जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्त सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर की तरफ। एंड जो ये देखने को मिलता है इस पर देर तक प्रेस करेंगे। एंड यहाँ से गाइस जब इसको हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे एक हमें वेबसाइट का बेसिकली बताता है कि उस वेबसाइट पे अपने पीसी से जाइए। तो सिंपली गाइस यहाँ पे हम वेबसाइट पे चलते हैं एंड सर्च करते हैं उसको जो वो दिया है बेसिकली लिखा हुआ लिंक। तो उस पर आ गए। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ये ब्लू वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस एक फाइल डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में। एंड गाइस कुछ 94-95 MB का देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं। गाइस इंस्टॉल करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब गाइस इसमें हम एंटर होंगे एंड गाइस यहाँ पे आपको स्कैनर देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे स्कैनर ऑन करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे बेसिकली जो हमने डाउनलोड किया। एंड उसको ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारा ये सिंपली ऑन होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। बाकी QR देखने को मिल जाता है। सिंपली इसको हमको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड गाइस एक्सेप्ट करते देखेंगे हमारा जो स्क्रीन है वो शेयर हो गया। लेकिन गाइस ये सिर्फ स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, मतलब फ़ोन को आप छोड़ सकते हैं एंड लैपटॉप से ही अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हम वहाँ पे कर्सर जो है उसी के थ्रू हम मस्त यूज़ कर सकते हैं, जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। भाई फ़ोन का पूरा जो भी फीचर देखने को मिलता है, मतलब कि फ्री फायर, BGMI, जो चाहे आप ऑन कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ जो भी चाहे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करता है। वैसे उतना स्मूथ नहीं है क्योंकि भाई वायरलेस आपको पता है कि थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बट गाइस आप इजीली सभी काम कर सकते हैं, जैसे फ़ोन में आप यूज़ करते हैं वैसे ही मतलब पीसी में अपना कर सकते हैं। तो इससे यह फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे में। एंड इजीली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम ट्रांसफ़र भी आपको करके दिखा रहे हैं कि ऐसे ही आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भाई फीचर जनरली बहुत ही सही है। एंड आप स्क्रीन शेयर करके भी, मतलब अगर आपको मैच देखना हो बड़े स्क्रीन पर, तो ऐसे आप स्क्रीन भी शेयर करके देख सकते हैं एंड डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं उसमें उसी के ऐप के थ्रू ही बिना स्क्रीन शेयर किए भी। मतलब कनेक्ट कर लीजिए हॉटस्टार को, उसी में ओपन कीजिए डायरेक्ट ऐसे भी, और इंटरनेट इसके फ़ोन से, मतलब फ़ोन से इंटरनेट यूज़ होगा और लैपटॉप का कोई इंटरनेट से मतलब संबंध रहता ही नहीं है, ये ऑफलाइन बेसिकली चलता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप गैलरी वगैरह सारी चीज़ें ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेसिकली, देख सकते हैं एंड फ़ोटो वगैरह शेयर भी कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगा। इवन गाइस इसको आप रोटेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसको अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं ऐसे। एंड यहाँ से गाइस फुल स्क्रीन कर देंगे तो बहुत ही सही लगता है, भाई फ़ोन ही चल रहा है लैपटॉप में, तो ऐसे आप देख सकते हैं। एंड गाइस जैसे ही आप कर्सर से यूज़ करते हैं फ़ोन को मतलब लैपटॉप में, तो ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, तो ये एक देखने को मिल जाता है। बाकी आप चाहें तो फ़ोन को भी डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं ऐसे कुछ। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।